अच्छा, आपको पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन पे कोई एतराज है? आपको पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन पे कोई एतराज? I stand with the 1973 Constitution of Pakistan and there are some amendments that have been made to the Constitution that I disagree with. Most okay. of them were made by military dictators or civilian dictators later on. Okay, लेकिन अगर ये Constitution Pakistan में implement हो जाता है, तो मैं और आप इत्तेफाक कर सकते हैं कि ये बिल्कुल ठीक होगा। I'm a Democrat and I stand by the Constitution of Pakistan. That is all what we ask for. अगर पाकिस्तान का Constitution implement हो जाता है, इसमें एक दो provisions हैं जो गैर शरी हैं, वो ठीक होने वाली हैं। But apart from that, I think this is a fantastic document. अगर वो हमें अमली तौर पे नजर आ जाता है, and I'm glad कि हमारे इस चीज़ पे इत्तेफाक हुआ हमारा। Now, आप एक briefly अपना वर्ल्ड व्यू दे सकते हैं और डेरा से पाकिस्तान व्यू दे सकते हैं कि अगर पाकिस्तान में सेकुलरिज्म आ जाता है, what would that Pakistan look like? Brilliant question, and I think that's an exercise in imagination and fantastical theories once again. But मैं जरा सा आपके सवाल को challenge करना चाहूँगी, because ये सवाल मुझसे एक फर्द से पूछा गया है, एक सियासी कारकुन से नहीं पूछा गया. I would actually want to see a post-secular Pakistan, a Pakistan जो कि secularism, theism, multiple different जो democratic systems हमारे पास दुनिया के अंदर कारफरमा हैं, उनकी तमाम अच्छी बातों को लेते हुए और पाकिस्तान की इंडिजिनस हिस्ट्री, पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री को समझते हुए एक सिस्टम डिज़ाइन किया जाए. और मैं समझती हूँ कि द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन डज अ प्रीटी गुड जॉब ऑफ ऑलरेडी डूइंग इट. तो ये जिस पाकिस्तान का आपने मुझे सवाल पूछा है कि ये पाकिस्तान दिखने में कैसा होगा, मैं ये समझती हूँ कि एक ऐसा पाकिस्तान होगा जहाँ पर फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एक ट्रूथ एंड रेकन्सिलिएशन कमीशन बनाया जाएगा, जहाँ पे हक और मफाहमत की बात की जाए. वो तमाम मजालिम जो पाकिस्तान की बेशतर अवाम पर ढाए गए हैं, पाकिस्तान की रियासत की जानिब से, पाकिस्तान की अवाम की जानिब से, और बाकी रियासतों पे और बाकी अफराद पे जो कि हमारे बॉर्डर्स के बाहर रहते हैं, वहाँ पे जो तमाम कदखान ये मजालिम जो पाकिस्तान की तरफ से ढाए गए हैं, उनको सच्चाई के साथ उनका सामना किया जाए और एक रेकन्सिलिएटरी, मफाहमती और एक रेपरेटिव पाथवे डिज़ाइन किया जाए जिसके ऊपर हम लोग चल के आगे जा सकें. और मैं ये समझती हूँ कि यह सिस्टम सेकुलर कहना तो ज़रा सा दुश्वार होगा, मैं पोस्ट सेकुलर कहना चाहूँगी, लेकिन एक ये सिस्टम एक ऐसे कंट्री के अंदर ही पॉसिबल है जहाँ पे रिलीजन की और स्टेट की सेपरेशन हो. बिकॉज जब तक रिलीजन और स्टेट की सेपरेशन नहीं होगी, तो वो तमाम वायलेंसेस और वो तमाम जस्टिफिकेशंस ऑफ वायलेंसेस जो रिलीजन से डराइव की जाती हैं, वो मौजूद रहेंगी. तब तक हम एक ऑनेस्ट ट्रूथ एंड रेकन्सिलिएशन के पाथवे की तरफ नहीं जा सकते. मेक इट वेरी क्लियर. मैंने बड़ी कोशिश की है मैं आपके जवाब को फॉलो करूँ. आई मीन रिलीजन की और स्टेट की सेपरेशन होनी चाहिए, लेकिन ये सेकुलरिज्म नहीं होगा. Pardon? Is that the argument कि religion और state की separation तो हो, लेकिन ये secular ना हो? नहीं, मैंने ये तो नहीं कहा. मैंने post secular की term use किया. What does that even mean? I think you post secularism की वजाहत कर दीजिए. All right, जी. Post secularism हम लोग एक ऐसी philosophy को कहते हैं, एक post modernist philosophy है, जो कि ये believe करती है कि secularism, although it was an attempt at good governance, उसके अंदर अपने किसी किस्म के फ्लॉज मौजूद हैं, जिसकी वजह से हमें एक पोस्ट सेकुलर सिस्टम ऑफ गवर्नेंस की तरफ जाना चाहिए. और उसका जो फंडामेंटल कोर पॉइंट है वो ये है कि फॉर इंस्टेंस लाइक चाइना, रशिया, फ्रांस, जहाँ पे सेकुलरिज्म की गाब के अंदर लोगों को, पर्टिकुलरली माइनॉरिटी रेसेस को और माइनॉरिटी रिलीजन्स को, यू नो देयर इज अ कल्चरल वॉर दैट इज इम्पोज्ड अपॉन देम, इस किस्म की चीज़ें नहीं होनी चाहिए. हमें एक कल्चर की डाइवर्सिटी को, एक नेशन की डाइवर्सिटी को सामने रखना चाहिए और उसको डाइवर्स तरीके से सामने लेकर जाना चाहिए. आई थिंक अ गुड एग्जांपल ऑफ पोस्ट सेकुलर गवर्नेंस इज गोइंग टू बी कनाडा एंड न्यूजीलैंड इन टुडेज़ वर्ल्ड. ओके, तो अगर उस कल्चर की डाइवर्सिटी को और कल्चर में जो लोग हैं उनको अगर हम सामने रखते हैं, और अगर वो लोग चाहते हैं कि नहीं मुल्क में शरीयत हो, वुड यू एक्सेप्ट दैट? वंस अगेन दैट टेक्स मी बैक टू माई क्वेश्चन, व्हाट इज शरीयत? शरीयत, आप जब आप व्हेनेवर यू से एक शरीयत हो, तो आप ये अज्यूम करते हैं कि शरीयत एक ऐसा वर्ड है कि वो सुनते ही मेरे दिमाग के अंदर कोई 10 नुकात आ जाएंगे. ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा. नो, दैट इज नॉट. मैंने आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं पूछी है कि आप शरीयत के बारे में क्या समझ. मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर लोग ये कहते हैं कि आपने जिस कल्चर की बात की ना कि उसको प्रेफरेंस देनी चाहिए, अगर उस कल्चर के लोग ये प्रेफर करते हैं कि इस मुल्क में शरीयत होनी चाहिए, वुड यू अपोज दैट? आई वुड एब्सोल्युटली अपोज दैट, बिकॉज लाइक आई सेड, मेरी हिस्टोरिकल रीडिंग, मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस और पाकिस्तान के अंदर जो कुछ भी चल रहा है उसमें वाज़ह तौर पर नजर आ रहा है कि शरीयत का कोई मतलब नहीं है. शरीयत का वही मतलब है जो कि उस वक्त की रिलीजियस हेजेमनी और ऑर्थोडॉक्सी का मतलब. आई थिंक वी मूव्ड ऑन फ्रॉम दैट पॉइंट. अगर आपने वो 22 पॉइंट्स नहीं देखे हैं, तो that shows ki aapka us pe lack of knowledge hai, and sure. I don't think you should make an argument. So then you shouldn't be asking me this question when I've already told you. Maine aapse shariat ke bare mein to sawal hi nahi pucha, maine logon ki will ke bare mein pucha ki agar wo ye chahte hain, what would you say? Then your question is incorrect. Your question needs to be agar logon ki will ye kehti hai ki wo 22 point member wali formula hum logon ne implement karna hai, to fir aapka kya jawab hoga? Mera aapse sawal ye hai ki agar log ye kehte hain, forget ke shariat ki technicalities kya hain, why should I forget? Agar ye log kehte hain ki shariat honi chahiye, yeah, then what would you say to that? My once again my answer to your question is going to be I am not that ill informed of a person
कि मैं बैठ कर उसको येस और नो के अंदर सिंपल जवाब दूँ. आई एम गोइंग टू से कि टेल मी व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट, शो मी द सिस्टम, वी आर गोइंग टू हैव अ कन्वर्सेशन एंड देन आई विल टेल यू व्हेदर यू एग्री विद इट. आई होप मेरे पास अभी टाइम है थोड़ा सा. जी आपके पास 4 मिनट है. ओके, वेल हियर इज अ थिंग. आपने बात की पोस्ट सेकुलरिज्म की, जिसमें आपने उसको डिराइव किया है पोस्ट मॉडर्निज्म से. दैट इज ऑल अबाउट स्केप्टिसिज्म, राइट? कि एब्सोल्यूटिज्म नहीं है, श्योरिटी नहीं है, हर चीज पे आप उसको तशकीक की नजर से देखें, ऑल दैट्स फाइन. सो दोनों चीजों को इकट्ठा करते हैं तो दिस इज व्हाट वी एंड अप विद, कि वी आर नॉट श्योर कि सेकुलरिज्म वाकई बड़ी अच्छी चीज है, बट हम इसलिए इसको इम्पोज करना चाहते हैं कि वी आर नॉट श्योर कि शरीयत क्या होती है. Where do you see sense in that? Okay, first of all, once again, you are, and I must appreciate you for this, you are great at misconstruing words and creating scenarios that weren't even presented. Just get to the answer, please. I am getting to the answer. Please don't goad me into it. All right, जी, please answer the question. Yes, and I am getting to the answer of the question. So, एक misconstrued आपने scenario पूरे का पूरा present किया once again. हम लोग काफ़ी देर से यही वाली बात कर रहे हैं कि शरिया को एक रेटोरिकल डिवाइस और इंस्ट्रूमेंट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है. कभी भी क्लैरिटी के साथ नहीं बताया जाता कि इसके कंस्ट्रेंट्स क्या हैं, इसके कंटूर्स क्या हैं, इसके अंदर क्या चीज़ शामिल है. एंड देन यू आर सेइंग, देन यू आर आस्किंग ऑल ऑफ देम, यू सेइंग ऑल ऑफ दीस थिंग्स, हाउ डज दिस मेक सेंस. आई मीन मेरा सिंपल आपका सवाल ये है कि अगर आप मुझे कोई लोग आके कहते हैं कि हमने शरीयत इंपोज करनी है, से यस टू इट और नो टू इट, एटलीस्ट आई हैव द राइट टू आस्क द क्वेश्चन, व्हाट डज दैट मीन. जब मुझसे पूछा गया पोस्ट सेकुलरिज्म से क्या मतलब है, मैंने आपको उसके कॉन्ट्रोल्स भी बताए, मैंने आपको उसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी दी, और मैंने आपको उसकी थ्योरेटिकल हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग भी दी. यू फॉर द पास्ट 60 मिनट्स हैव बीन अनएबल टू डिफाइन व्हाट शरिया इज. ऑल जेनेरिक बातें, गिव मी अ प्रैक्टिकल एग्जांपल. श्योर, थैंक यू फॉर द आंसर. आप वो सारी जेनेरिक बातें जो आपने बताई पोस्ट सेकुलरिज्म में, मोस्ट मोर और लेस वो सारी की सारी इस्लाम में मौजूद हैं, बट दैट ये जो आपने एंड प्रैक्टिकली नॉट इंप्लीमेंटेड इन एनी सिस्टम. जो सवाल जो मैंने भी आपसे किया है, मुझे उसका जवाब चाहिए कि आप अगर ये कहते हैं कि पोस्ट सेकुलरिज्म पाकिस्तान में चाहिए, व्हिच अकॉर्डिंग टू यू इज डिराइव्ड फ्रॉम पोस्ट मॉडर्निज्म, विच इटसेल्फ इज बेस्ड ऑन स्केप्टिसिज्म, इसका मतलब यह है कि एब्सोल्यूट क्लैरिटी नहीं है, इसका मतलब है कि तशकीक है, तो आप क्यों हमें ये इस चीज़ पे कन्विंस करना चाहते हैं कि आपके पास क्लियर अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि सेकुलरिज्म क्या होता है. यू डिड अल्यूड टू दैट कि यूके में और तरह का सेकुलरिज्म है और वहाँ पर और है. शरिया के बारे में तो ये प्रॉब्लम हो जाता है कि कौन सी शरीयत, वेयर सेकुलरिज्म के बारे में भी एग्जैक्टली यही क्वेश्चन है, लेकिन आप तो पोस्ट सेकुलरिज्म वाले हैं, तशकीक वाले हैं. आप अपने शक की बुनियाद पे ये हमें क्यों बावर कराना चाहते हैं कि हमारा यकीन गलत है? हमने आपको ये बिल्कुल बावर कराने की कोशिश नहीं की, हमने आपसे आपके यकीन की आपकी यकीन की तफसील पूछी है, जो आप देने के अंदर बिल्कुल नाकाम रहे हैं. 22 पॉइंट्स आपसे बार बताए हैं एंड आई लाइक द फैक्ट कि आप उसको पढ़ना चाहते हैं. श्योर श्योर श्योर. लेकिन मेरा सवाल अगेन आपसे ये है कि अगर आप पोस्ट मॉडर्निज्म के दावे, आप उसके प्रोपोनेंट हैं, That means you are a skeptic. अगर आप skeptic हैं, तो फिर आपको अपने system पे भी skeptic होना पड़ेगा. And I am skeptic on my system. If you are, then tell us why should we leave Sharia because you don't understand what it is. You are not on Sharia, Mr. Raja. Last 1 minute, जी, Raja sir. You have literally spent the last 60 minutes convincing everybody. Please, मेरे सवाल का मैं दोबारा सवाल clear कर रहा हूँ, आखिरी मिनट चल रहा है कि अगर आप अपने system पे skeptic हैं, तो अपने skepticism को बुनियाद बना के इस्लाम के बारे में क्यों कहते हैं कि शरीयत वाजे नहीं है, therefore ये नहीं होना चाहिए, जबकि आपकी अपनी position वाजे नहीं है. मेरे ख्याल से मेरी पोजीशन इस बात के ऊपर काफी वाज़े है. एंड वंस अगेन यू आर यूजिंग रेटोरिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड डिवाइसेस एंड इंट्रोड्यूसिंग स्ट्रॉमैन इनटू द आर्गुमेंट. व्हेयर इज द आंसर टू द पॉइंट? इज वेरी सिंपल. आपसे पूछा गया है कि आप एक प्रैक्टिकल एग्जांपल निकाल के दिखा दें, शरिया की प्रैक्टिकल एग्जांपल इन 2023, एक ग्लोबल globally applicable system. Not answer to my question. Or you have been unable to give that example. Dr. So it's not that. With regret, this is not an answer to my question. I am answering your question, you're interrupting me. Please. And my answer to your question. All right, the time is up.